तो बीजेपी का 400 पार होगा, या फिर जिस तरीके से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जिक्र कर रहे हैं कि 79 सीटें जीत रहे हैं और गोरखपुर की जनता के लिए गोरखपुर के मुद्दे इंपॉर्टेंट है, या फिर केंद्रीय मुद्दे हावी है, इस पर बात होगी। और शुरुआत जनता के साथ यहाँ पर करना चाहेंगे। दादाजी क्या नाम है? बैरागी गोसेवक। क्या किस बात से शुरुआत करेंगे जरा बताइए? पहले एक बंद से आपका स्वागत करेंगे। स्वागत में है पुष्पहार, रोली गुलाब चंदन है, आज यहाँ पर आप सभी का सत सत अभिनंदन है, सत सत अभिनंदन है। क्या कहना चाहेंगे गोरखपुर के लोग को लेकर? दुनिया में योगी मोदी की पहचान के लिए, दुनिया में योगी मोदी की पहचान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। बटन दबेगा कमल निशान के लिए, जरा बताइए। शिक्षा शास्त्र अखिलेश यादव जिंदाबाद। नारे लगाने आए हैं या फिर सवाल पूछने आए हैं? सवाल है किसी के पास? सवाल है। 26 दलों का गठबंधन है, पहले ये बता कि इनके प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री पद के चेहरा कौन है, पहला सवाल आ गया गोरखपुर के लिए। जैसे सर ये लोग पीडीए करते हैं, पिछड़ा दलित एसोसिएशन, अल्पसंख्यक, लेकिन इन लोगों ने सबसे ज्यादा जो जातिवाद की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा अहित पिछड़े वर्ग का और दलित वर्ग का किया है। उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, आरक्षण का आधार इस समय पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर होता है, 8 लाख से ऊपर जिसको मिलता है सालाना इनकम, वो आरक्षण का भागीदार नहीं होता है। लेकिन दलित वर्ग में आज तक कोई भी दलित नेता ने ये क्रीमी लेयर नहीं लाया, और पिछड़े वर्ग में इसको 8 लाख से बढ़ा के 16 लाख कर रहे हैं। गरीबों के हाथ से जो है ये पिछड़े, जो गरीब पिछड़े हैं। ठीक है, पीडीए का एक सवाल है, जरा मैं शुरुआत यहाँ पर बिन्नू जी आपके साथ यहाँ पर कर रहा हूँ। पहला सवाल आप ही के लिए आ गया, कह रहे हैं कि 26 जो है पार्टियों को साथ लेकर आए, चेहरा कौन होगा? अखिलेश यादव भी कहते हैं तो उसमें कहते हैं कि हमारी रणनीति नहीं बताएंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अली बाबा की ये जो टीम है, 40 लोगों की जो टीम है, ये पूछेगी चेहरा, हाँ। ये पूछेगी चेहरा आज हिंदुस्तान को आवश्यकता क्या है, हाँ। और हिंदुस्तान चाहता क्या है, हाँ। आज हिंदुस्तान चाहता है महंगाई से निजात, हाँ। आज हिंदुस्तान चाहता है बेरोजगारी से निजात, हाँ। आज हिंदुस्तान क्या चाहता है? किसानों का सम्मान, हाँ। ये झूठ के पाठशाला के ठीक है, स्क्रिप्ट लोग बताएंगे, हिंदुस्तान को बेचने वाले लोग बताएंगे, ठीक है। तो हिंदुस्तान को जवाब ले लेते हैं, ऐसे लोग दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो लोग सवाल पूछ रहे हैं बेरोजगारी पर, महंगाई के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। शांति से, पहले आप जवाब दे दें। सवाल 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 मेरे भाई, ये मत बताइए कि आप लोगों के पास सवाल नहीं है। मैंने शुरुआत किसी के साथ की थी, आप बता दें। 40 चोर कौन है? क्या वो 26 पार्टी का 40 चोर है? खुद एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। अली बाबा के 40 चोर इन्हीं के साथ है। 40 चोर है, बता दिया। 40 चोर है, एक्सेप्ट किए हैं। अब आगे कुछ बता दिया। बहुत अच्छा कहा सिन्हा साहब आपने, आराम से आराम से आराम से। आप चोर हैं, बहुत अच्छा। हल्का हाथ रखिए। इतने उत्साहित मत होइए कि सवाल ही ना हो आपके पास, ठीक है? शुरुआत आपसे ही हुई है। अनु जी वो ये कह रहे हैं कि वो तो 40 चोर वाले हैं, और बीजेपी कह रही है कि 40 चोर वाले, बताएं जो 26 लोगों को साथ लेकर बैठे हुए हैं, बताइए। सबसे पहले गोरखपुर की जनता को मेरा प्रणाम, जनता जनांदर जिंदाबाद। देखिए मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जब बीजेपी से मुद्दों की बात की जाती है तो सीधे मोदी जी पहुंच जाते हैं मंगलसूत्र के मामले पे, हाँ। मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगी, क्या वो मंगलसूत्र के मामले में मणिपुर के साथ हुई महिलाओं के साथ उस समय वो मंगलसूत्र भूल गए थे, हाँ। जो किसान जो लगातार अपने MSP की कर्ज माफी के लिए आंदोलन कर रहे थे, काला कानून वापस करने का, जिसमें 600 से 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, क्या मोदी जी उन किसानों का मंगलसूत्र भूल गए थे? मैं बाकी प्रवक्ताओं के पास जा रहा हूँ। अनु जी बीजेपी मुद्दों से अनु जी बहुत बढ़िया बात कही आपने, और महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर, उनसे भी पूछ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र पर लेकर आ जाते हैं बात, मुद्दे खत्म हो गए हैं, ऐसा ही है क्या? प्रधानमंत्री जी अगर मंगलसूत्र पे आए तो उस मंगलसूत्र की रक्षा भी हमारे मोदी जी ने ही की है। उस मंगलसूत्र की रक्षा किस तरह से की है? बॉर्डर्स पे जवानों पे की है, हम महिलाओं को सशक्त किया है, हम महिलाओं को इतनी सारी योजनाएं दी हैं, जिस स्तर पे हम सशक्त हुए हैं, घर से बाहर निकले हैं और अपना मंगलसूत्र नहीं अपने पति के साथ घर भी चला रहे हैं। मजबूत हुई है महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं कैसा महसूस करती हैं अब? सेफ है, अब है कोई डर नहीं, योगी जी की देन है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं।
सपा से एक सवाल पूछना चाहते हैं। नगर निगम के चुनाव में इन्होंने काजल निषाद को किया और वो इतना हार गई, क्या इनके पास कोई और प्रत्याशी नहीं है? कोई और नहीं है, बार बार उसी प्रत्याशी को लाके खड़ा करते हैं, गजब की इनके अंदर। वो ये कह रहे हैं, बिन्नू जी जवाब आपसे लूंगा और उसके बाद मैं आगे भी जाऊंगा। वो ये कह रहे हैं कि वो लोग सवाल कर रहे हैं अब जिनके वक्त में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं थी, हम तो सुरक्षित महसूस करते हैं। बताइए आपके सामने, हेलो हेलो, आपके सामने एक महिला प्रत्याशी है। हाँ हाँ, और क्या इस भारतीय जनता पार्टी के पास ये निरंकुश केवल एक सांसद प्रत्याशी रवि किशन ही है? क्या गोरखपुर का कोई प्रत्याशी नहीं है? क्या उसको लड़ा सकता है? सपा ने तो अपने बहु बेटी को, गोरखपुर की बहु बेटी को यहाँ से चुनाव लड़ाया है, यहाँ की बेटी को लड़ाया है, यहाँ की बहू को लड़ाया है, ये भगोड़ा गोरखपुर क्यों आया है? ठीक ठीक आया है। ये बाहरी का अगर मुद्दा है तो फिर अगर अगर बाहरी का मुद्दा है तो स्थानीय प्रत्याशियों में तो दोनों ही तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं, एक उंगली उठ रही तो चारों तो अपनी तरफ उठ रही है। इनको पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। केवल चिल्लाना है। हमारे सांसद प्रत्याशी को भगोड़ा कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जम के बैठा हुआ क्या बोलना है? कोरोना काल में मंत्री जी को बताइए क्या बोलना है? सुन लीजिए, अगली बार सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन नहीं सकते, सुनने की। हमारा कोरोना काल में इनकी जो प्रत्याशी हैं गोरखपुर की बहू कहती हैं, वो केवल ऐसी बहू हैं जो गोरख घर में रहती है, शहर में कमाती है, शहर में बंटवारा करने गांव पे पहुंच जाती है। सुनिए, आज बंटवारा करने यहाँ पहुंची है। रवि किशन गोरखपुर के माटी का लाल है, इसी मामखोर से पैदा होके चला है। ये गुजरात में रही, कोरोना काल में जब गोरखपुर के लोग तड़प रहे थे तब वो फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। हीरो की धरती है, मंत्री प्रधानमंत्री जी को और पिछले पांच पिछले आठ बार के चुनाव में नहीं हुआ, इस बार कैसे होगा ये भी जानेंगे। जनता के बीच जाऊंगा जरा, ठीक है? 24 घंटा सड़कों पे थे, ठीक है ब्रजेश जी, ठीक है ठीक है। कमेंट कर रहा हूँ निशा जी, इस बार के जो मुद्दे, अरे जरा सुन लीजिए, जो यहाँ पर प्रत्याशी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। ये बताइए इस बार गोरखपुर के अंदर चुनावी मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा असर किस चीज का है गोरखपुर में? मैं सबसे पहले आर भारत न्यूज को, उनके दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। और हमारे गोरखपुर में जो चुनावी मुद्दा है उसको देखते हुए हमारा किन्नर समाज भी सपोर्ट करता है भाजपा को, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई है तब से हमें तीसरे कालम में भी रखा गया, किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके पहले हमारा कोई सरकार नहीं सुना था, ठीक है।